वालेकुम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे हैरियत से होंगे मैं भी अल्लाह का है बिल्कुल ठीक हूँ तो आज ये वीडियो स्टार्ट की है मैंने बारिश से और बारिश का मैंने जो है ना ओरिजिनल साउंड रहने दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है वीडियो में तो उसका साउंड और अच्छा सा आता है तो वो मुझे लगा कि वो ऐसे ही रहने देना चाहिए तो वो मैंने वैसे साउंड जो ओरिजिनली रहने दिया तो उसके बाद जो है ना बारिश वगैरह इन्जॉय की सुबह थोड़ी बहुत बारिश थी एक दूख के वीडियो शिडियो बनाई उसके बाद मैं सफाई सफाई के काम में लग गई हूँ अभी रूम में आई तो यहाँ पर जो है ना बच्चों का इसके ज्यान के जो है डायपर्स ख़त्म थे ड्रॉर में वो सब सेट किया और ये जो ऊपर चीज़ें निकाल के रखी है ना ये बच्चों को शावर देना आज तो ये सब चीज़ें जो है ना मैंने उसके लिए पहले से ही निकाल के अलग करके रख दिया बाद में फिर उसी ड्रॉ में उन्हें रख दूँगी और उसके बाद अभी जो है ना मुझे वॉशिंग मशीन आज ऑन करनी ये जो है रज़ाई पतली वाली मतलब गर्मियों के मौसम में यूज़ होती है तो ये वॉश होने वाली थी साथ में अफान के स्कूल का जो भी सामान है उसका ब्लैंकेट वग़ैरह और बेडशीट और स्कूल का पिलो वगैरह कवर जो है वो सब वॉश होना है और उसके साथ जो मतलब नॉर्मल जो घर के भी कपड़े मशीन में थे मैंने वो भी कुछ जितनी मतलब मशीन में जितनी चीज़ें आई मैंने सब वो भी उसमें डाल दी हैं कि चलो एक साथ थोड़े बहुत वॉश हो जाएंगे और कि ये रज़ाई वो, वो सॉरी रज़ाई नहीं क्या है अफ़ान का कंबल वगैरह वो ज़रूरी होता है वॉश करना क्योंकि वो मंडे को फिर स्कूल जाना है तो वो मैं फ्राइडे या सैटरडे को ही वॉश करती हूँ जब भी वॉश करना हो कंबल और चादर का तो मसला नहीं है वो तो एक्स्ट्रा है लेकिन पिलो कवर जो है ना वो मेरे पास और एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर मुझे वो वॉश करना ही पड़ता है तो बस वॉशिंग मशीन ऑन की है तो उसके बाद जो है ना अभी मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चना चाट थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो बस ऐसे दिलचहा कुछ अच्छा चटपटा सा होना चाहिए चने वो जो बॉयल हुए कैन होता है ना वो रखे हुए होते हैं घर में मेरे पास तो वही वाले मैंने चने लिए उन्हें वॉश किया उसके बाद उसमें बारीक बारीक काटा है मैंने टमाटर और खीरा और प्याज और हरी मिर्च और अभी इसमें ऐड करी हूं थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च और ये है चाट मसाला और लास्ट में इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लीमू तो इससे थोड़ा सा ना अच्छा मज़े का खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा नमक मैंने थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि ये जो चने हैं ना बॉयल हुए होते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक होता है पहले से ही तो फिलहाल मैंने थोड़ा थोड़ा कम रखा मसाला ये सब मिक्स करूँगी उसके बाद इसको एक बार मैंने चखा तो मुझे जो है ना कम लगा थोड़ा मसाला वगैरह भी और ये जो है ना खीरा और टमाटर भी मुझे सलाद भी थोड़ा सा ना जब मैंने मिक्स किया तो मुझे ये कम लग रहा था तो मेरे पास थोड़ा सा मतलब मैंने साइड पर कर करके रखा हुआ था जब मैंने कट किया था तो मैंने वही फिर सब कुछ वो भी बाकी का भी इसमें ऐड कर दिया कि थोड़ा सैलड अच्छा लगता ज़्यादा और वही क्योंकि नमक मिर्च भी थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्च भी और ऐड की क्योंकि चटपटा सा कुछ अच्छा सा दिल कर रहा था खाने को और एंड में मुझे याद आया मैं अपनी तरफ से रेडी कर चुकी थी तो मुझे याद आया कि फ्रीज़र में ना इमली की चटनी भी बनी हुई रखी है थोड़ी तो थोड़ी सी वो भी ऐड करूँ तो इससे अच्छा जरा खट्टा मीठा सा क्योंकि खट्टी मीठी सी है चटनी तो इसके साथ ना और अच्छा खट्टा मीठा सा और चटपटा सा फ़्लेवर आ जाएगा तो बस ये भी सब मिक्स करके तो इसे दस पंद्रह मिनट के लिए ना फ्रिज में रखूँगी क्योंकि ठंडी होकर ना और ज़्यादा मज़े की लगेगी और अभी मैंने चखी तो बहुत मज़े की बनी है वाकई अच्छा ये ना अफ़ान ये वीडियो है फ्राइडे वाले दिन की तो अफ़ान जो है ना स्कूल से आया घर तो ये उसने ना मुझे आते ही ये चीज़ें दी और ये उसने बनाई थी स्कूल में खुद अपने हाथ से मतलब टीचर्स की हेल्प से ज़ाहिर बनती हैं तो ये क्योंकि अब मदर्स डे है तो मदर्स डे आ रहा है तो उसके लिए जो है ना उन्होंने बच्चों से ये बनवाई चीज़ें सबसे पहले ये है गत्ते पे लगी हुई थी ये पता नहीं चिकनी मिट्टी से कुछ बना हुआ है ऐसे ही मतलब ऐसे ही बस बनाया हुआ कुछ भी बच्चों ने बस किया हुआ अपने शौक से तो मैं ये देख रही थी कि ये कैसे मतलब ये ड्राई कैसे हो गया तो मैंने अफान को पूछा तो वो कह रहा था ये ना आज नहीं बनाया हमने काफ़ी दिन पहले का कुछ दिन पहले बनाया था तो वो वाकई जब ये मैंने पेपर ओपन किया ना तो इस पर जो उसने ड्राइंग किया और इसके ऊपर टीचर ने उसका नाम वगैरह भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऊपर डेट भी लिखी हुई है ये आठ तारीख को उन्होंने बनाया हुआ तो वो जाहिर है वो मट्टी वगैरह जो थी वो सब ड्राई हुआ और ये यहाँ पे मैं इससे पूछ रही थी कि ये क्या है बाकी सब पे तो उसने नाम लिखे हुए तो मैं उसको पूछ रही थी ये क्या है ये कौन है तो वो कह रहा था ये बेबी है वो ना जयान को बेबी बोलता है अभी भी उसको बेबी कह के बुलाता है तो पता नहीं वो टीचर ने उसको पूछा होगा उसे समझ में नहीं आया क्या उसने उसका नाम नहीं बताया और बाकी मामा और पापा बनाया उसने और अफ़ान का भी जो है वो उन्होंने नाम लिख दिया क्योंकि ये लिखा हुआ टीचर्स नहीं है और ऊपर जो है ना वो जयान की जगह उसने पता नहीं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है तो बस ये मैंने उसको पूछा तो उसने बताया कि ये मैंने बेबी बनाया हुआ है तो ये माशाल्लाह से ख़ुद इसने ड्राइंग किया मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत प्यारी और ये थोड़ी सी ख़राब इसलिए हुई है क्योंकि ये गिर गई थी ना ज़मीन पे बारिश थी तो ये ना आते हुए रास्ते में उसके हाथ से गिर गया तो वो गीली होकर थोड़ी सी ख़राब हो गई लेकिन बहुत अच्छी फिर भी मुझे बहुत प्यारी लगी ये देख के माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई हुई थी उसने तो खैर वो सब देखी ड्राइंग वगैरह और वो भी बहुत खुश होकर बहुत एक्साइटेड होकर मुझे दिखा रहा था कि ये मैंने आपके लिए बनाया स्पेशल तो वो चीज़ों को मैंने समेटा और अभी यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ मसूर जो साबुत मसर होते हैं वो रखे हुए थे मैंने नमक लाल मिर्च और हल्दी डाल के उसको पकने के लिए रखा हुआ था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है गल चुकी है यहाँ पे तड़का रेडी हो रहा है और तड़के में मैंने लहसन ब्राउन किया है उसमें ये कुटावा जीरा और हरी मिर्च ऐड किया है और इसको बस एक मिनट के लिए ना एक मिनट भी नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना और चूल्हा बंद कर देना वरना ये हरी मिर्च की ना फिर वो जलने लग जाएगी और स्मेल आएगी फिर तो छीके आने लग जाती हैं मतलब तो बस तड़का वगैरह रेडी हो गया इसमें जो है ना मेरे अब एक हाथ में है फ़ोन तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड को बुलाया फटाफट तो उनकी मैं हेल्प लेने के लिए कि वो जो है ना फ़टाफट से इसको कवर कर देंगे जब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी वरना वो ऑयल की चीटें सारी बाहर आती हैं पर उन्होंने फिर भी टाइम लगा दिया बाद में कवर किया तो खैर कोई नहीं हो गया जैसे भी काम हुआ उसके साथ ही मैंने दा चावल भी भिगो के रखे हुए थे सैलड कट करके रखा हुआ था मैंने तो बस जैसे ही दाल रेडी हुई तो मैंने चावल बॉयल कर लिए और खाना हमारा जो है ना फटाफट रेडी हो गया और अभी जो है दस्तर खाना भी हम लोगों ने लगा दिया रात का खाना हम लोग ना मोस्टली कमरे में ही बैठ के बेड पे ना शीट वगैरह बिछा के एक, एक एक्स्ट्रा मैंने चादर रखी हुई है पुरानी और शीट बिछा के बेड पे ही बैठ के साथ टीवी वी शी शीवी देखते हैं और साथ जो है ना हम यहीं पे खाना खाते हैं तो दाल चावल माशाल्लाह अफान भी बहुत शौक से खाता है और ये सैलड जो है ना ये चूमर इसके बगैर तो दाल चावल अधूरे हैं और अफान भी ये बहुत शौक से दाल चावल पर ना ये सैलड रख के डाल के बहुत मज़े से खा लेता है तो बस खाना शाना भी हमारा जो है रेडी है अब हम लोग खाना खाते हैं और साथ में गप्पे चप्पे लगाते हैं टीवी वी देखते हैं एंजॉय करेंगे हम अपना खाना और यहीं पे मैं इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करूंगी उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी बहुत जल्दी मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़